नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेट में सरल रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं। सरल रेखा, तो सरल रेखा में कल हमने आप सबको बताया, दो रेखाओं के बीच का कोण, जब दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हों y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2, ये अगर दिया गया हो तो इनके बीच का कोण हमने कल बताया कि tan phi बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण अगर ये phi है, ये है y बराबर m1x प्लस c1 और ये है y बराबर m2x प्लस c2। तो इनके बीच का कोण अगर ये फाई है, तो न्यून कोण, तो न्यून कोण फाई है, तो न्यून कोण के लिए 90 से कम हो तो टैन का मान धनात्मक होता है। तो फाई बराबर हमने बताया था कि टैन इनवर्स माड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो माड होता है, माड धनात्मक राशि को दर्शाता है। माड किसको दर्शाता है? धनात्मक राशि को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि यदि जैसे कि टेन फाई, यहाँ पर यदि रेखाएं जो हैं एक दूसरे पर लंब हो, जब एक दूसरे पर लंब हो तो इस दशा में फाई बराबर 90 डिग्री होगा। जब फाई 90 डिग्री है तो टैन 90 अंश बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। टैन 90 अंश का मान इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को लिखेंगे 1/0। तो ऐसे m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, इसका इधर गुणा हो जाए, इसका इधर गुणा हो जाए, तो ये मिलेगा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0। तो m1 इंटू m2 बराबर -1, यानी जब दो रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है तो उस दशा में दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या होंगी? लंब होंगी। यहाँ से अगर हमें m1 का मान निकालना हो तो -1/m2 लिखेंगे, या m2 का ही मान निकालना हो तो -1/m1 लिखेंगे। क्लियर है? तो जरा इसे लिख लीजिए, आगे उसके लिखिएगा, यदि रेखाएं y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 एक दूसरे पर लंब हों तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अतः लाइन छोड़िए, फाई बराबर 90 अंश, और ये लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी से लिखिए। हो गया m1 इंटू m2 बराबर -1। नीचे लिखिए, अर्थात जब दो रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है, तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं।
तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। अब यदि दूसरा नंबर कि यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, लिखिए दूसरा नंबर, यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, के समांतर हों, तो हाई बराबर जीरो, यानी दोनों रेखाओं के बीच का कोण जीरो डिग्री होगा। इसलिए टेन जीरो डिग्री बराबर एम वन माइनस एम टू अपान वन प्लस एम वन इंटू एम टू। टेन जीरो का मान जीरो होता है, तो जीरो बराबर एम वन प्लस एम टू अपान वन माइनस एम टू अपान वन प्लस एम वन इंटू एम टू। अब इधर गुणा कर दें ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब एम वन माइनस एम टू बराबर जीरो, तो एम वन बराबर क्या एम टू। अर्थात जब रेखाएं समांतर हों तो दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी, दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। क्लियर। लिख लीजिए इसे, यदि रेखाएं समांतर हों तो फाई बराबर जीरो, जल्दी से लिखिए, टेन जीरो बराबर इतना पूरा लिख लीजिए, पूरा लिखिए सभी लोग जल्दी से। हो गया। चलिए जैसे जैसे लिखिए पहला प्रश्न लिखिए, रेखाओं रेखाओं 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर प्लस 9 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 की प्रवणता अगर m1 है तो m1 बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या है 2, y का गुणांक क्या है 3, x का गुणांक बटे y का गुणांक तो माइनस 2 बटा 3 तथा 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है ये दिया है माइनस 4y बराबर 0 की प्रवणता m2 हो तो m2 बराबर लिखा जाएगा माइनस x का गुणांक तो 3 बटा 4, ठीक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटा 4, यानी m1 पता हो गया m2 पता हो गया। यदि उनके बीच का कोण फाई हो तो tan फाई बराबर हम लिखेंगे mod of m1 माइनस m2 तो माइनस 2 बटा 3 और माइनस m2 तो माइनस 3 बटा 4 अपान 1 प्लस माइनस 2 बटा 3 गुणे 3 बटा 4 माड में। ऊपर तो हो जाएगा 4 दुना के 8 माइनस 8 माइनस 9 बटा 12, नीचे हो जाएगा 4 3 12 तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और माइनस 6 बटा 12, 12 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 9 क्या हो जाएगा माइनस 17 और 12 में से 6 जाएगा तो 6, ठीक है तो ये हो जाएगा 17 बटा 6। तो ये tan फाई है तो फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स
17/6 सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए दूसरा लिखिए। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x-4y+7=0 पर लंब हो। पर लंब हो। तो देखिए लंब रेखा की प्रवणता हमें पता है कि अगर इसकी प्रवणता रेखा 3x-4y+7=0 की प्रवणता m1 है तो m1 बराबर -x^3/-4 तो ये हो गया 3/4। अच्छा लंब रेखा की प्रवणता हमको नहीं पता है तो लंब रेखा की प्रवणता हम मान लें m2 है। ठीक है तो हमें पता है कि m1 × m2 = -1 तो m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। अब -1/3/4 ये जाएगा -4/3। तो लिख लीजिए। अब समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ पर पता है 3/4 तो लंब रेखा का प्रवणता आपसे पूछेगा तो आप क्या करिएगा कि इसको चिन्ह सहित पलट दीजिएगा, अंश को हर और हर को अंश, और यहाँ प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यानी इसका सीधे -4/3। अगर कहता कि किसी रेखा का रेखा की प्रवणता -7/3 है तो इस पर लंब रेखा की प्रवणता तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 3/7 हो जाएगा। क्लियर है? अब तो लग जाएगा। चलिए अब एक और लिख लीजिए प्रश्न। रेखा 4x-5y-6=0 के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। की प्रवणता ज्ञात कीजिए। रेखा 4x-5y-6=0 के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रवणता इसका बताना है तो इसके समांतर रेखा की प्रवणता, तो पहले इसकी प्रवणता 4x-5y-6=0 की प्रवणता m1 है तो m1 बराबर हो जाएगा -x^4/y^-5 यानी 4/5। तो हमें पता है कि समांतर रेखा की प्रवणता अगर m होता है, रेखा की प्रवणता मान लिया जाए कि m2 है तो आपको पता है कि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर, इसका मतलब है कि m1 और m2 बराबर, तो m1 का मान कितना है 4/5, तो समांतर रेखा की प्रवणता भी कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्लियर? लिख लीजिए। हो गया। चलिए एक प्रश्न लिखिए।
उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3-1 से होकर जाती हो तथा रेखा 2x + 5y - 6 = 0 के साथ 45 अंश का कोण बनाती हो अब समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक रेखा है 2x + 5y - 6 = 0। मान लेते हैं यह रेखा है जिसका समीकरण है 2x + 5y - 6 = 0। तो अब इसके साथ 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, तो 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा हो सकता है कि ये हो, इनके बीच का कोण 45 अंश हो, मे भी पास ये रेखा हो सकती है, ठीक है, जो कि हो सकता है कि यहाँ पर बिंदु है 3-1, तो इससे होकर जा रही है, या यहीं से होकर जाती हो और इसके साथ ये जो है 45 अंश का कोण बनाने वाली एक ऐसे भी रेखा हो जो कि इसके साथ यहाँ 45 अंश का कोण बन रहा हो। इसका मतलब ये है कि जब ये 45 अंश का कोण बने, ये तो ये भी तो 45 अंश का कोण है इस रेखा के साथ, तो बिंदु यही है, इससे होकर जाने वाली एक रेखा ये भी है और एक रेखा ये भी, तो दो रेखाओं के समीकरण आएंगे, एक रेखा का समीकरण नहीं बल्कि दो रेखा का समीकरण। आखिर इन दोनों रेखाओं का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, तो उसी पर अब यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहले हमें जो ये रेखा दिया गया है कि 2x + 5y - 6 = 0, तो इसकी प्रवणता अगर m1 है तो m1 बराबर हम लिखें -x का गुणांक, तो 2/5, m1 का मान है -2/5। अब m2 नहीं पता है तो इस पे मान लें कि m2 यानी जो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उसकी प्रवणता मान लिया जाए क्या है, m2 है। तो हमें इतना पता है दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो फाई है वो कितना है, वो 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर, ठीक है, तो tan 45 अंश बराबर m1 - m2/1 m1 × m2। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि m1 बड़ा है और m2 क्या है, छोटा। यहाँ हमने मान लिया कि m1 बड़ा है, m2 छोटा, इसीलिए m1 - m2 लिखा है। तो यहाँ tan 45 अंश का मान 1, m1 का मान है -2/5, -m2/1 - 2/5 × m2 गुणा कर दें तो इधर 1 + -2/5, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2m2/5 बराबर इधर हो जाएगा -2 - m2 - 5m2, 5 का गुणा कर दें तो 5m2, क्यों ये 5/5, ये 5 यहाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख दें क्या, क्यों, तो यहाँ पे 5 - 2m2/5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये -5m2 इधर आएगा, तो 5m2 और -2m2 = -2 यहाँ पर है, और ये जब जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्यों, तो माइनस हो गया कितना, 7, और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी 3m2 - -7, तो m2 हो गया कितना, -7/3। तो ये तो प्रवणता निकल गया, लेकिन ये कब, जब m1 बड़ा है और m2 छोटा है। दूसरा केस, जब m1 जब छोटा हो जाए m2 बड़ा हो जाए, तो यही जो यहाँ tan 45 अंश का मान 1 रखा गया है, तो tan 45 अंश बराबर हम लिखेंगे m2 - m1 / 1 +
एम वन इंटू एम टू, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेन पैंतालीस अंश का मान तो वन है और एम टू नहीं पता है, एम वन का मान है माइनस दो बटा पाँच, तो यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस दो बटा पाँच हो जाएगा और वन माइनस यहाँ हो जाएगा दो एम टू अपान फाइव, इधर गुणा कर दे तो वन माइनस टू एम टू अपान फाइव बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फाइव एम टू और प्लस टू अपान फाइव, यहाँ पाँच आ जाएगा, इस नीचे तो पाँच पाँच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब फाइव एम टू है इधर जाएगा तो सेवन एम टू हो जाएगा, क्यों माइनस टू एम टू इधर जाएगा तो सेवन एम टू, तो सेवन एम टू बराबर हो जाएगा, दो इधर आएगा तो पाँच माइनस दो यानी कितना हो गया तीन हो गया, तो अब एम टू बराबर हो जाएगा तीन बटा सात। अब देखो एम टू यहाँ पर तीन बटा सात आया और यहाँ पर एम टू माइनस सात बटा तीन आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रेखा का समीकरण निकालेंगे, कौन सा रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता पहला पहला जो रेखा निकलेगा ये, तो इसकी प्रवणता है माइनस सात बटा तीन, क्यों तो यहाँ से अगर हम माइनस सात बटा तीन लिखेंगे प्रवणता और एक बिंदु का निर्देशांक पता है तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हम जो है फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे y माइनस वाई वन बराबर एम और x माइनस एक्स वन, तो यहाँ से हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तो y माइनस वाई वन, तो वाई वन के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा, m के जगह पर माइनस सात बटा तीन और x माइनस एक्स वन के जगह पर तीन, तो एक तो समीकरण ये हो जाएगा, क्लियर है, तो यहाँ पर समीकरण जो आएगा वो तो हमें पता हो गया है कि जो है ये समीकरण होगा, दूसरा जो समीकरण हो जाएगा वो ये कि वाई माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और ये अब तीन बटा सात रखेंगे और एक्स माइनस एक्स वन, तो अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, कर लोगे आप सभी, तो दो रेखाओं के समीकरण एक इधर आया और एक इधर आया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद रखिएगा अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, पहला केस लिखिएगा ये और दूसरा केस लिखिएगा यहाँ पे, पहला केस से एम टू का मान माइनस सात बटा तीन है ये है, दूसरा केस से ये सॉल्व करिए और एम टू का मान निकाला गया है तो यहाँ पर आया है एम टू का मान माइनस तीन बटा सात, तो सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व हो गया, कर लिए सभी लोग सॉल्व, और जल्दी से करिए, अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई रेखा का समीकरण ये दिया हो, ये रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो और एक ये कोई बिंदु दिया है पी जिसका निर्देशांक है एक्स वन और वाई वन, इससे होकर जाने वाली इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसकी प्रवणता m1, तो जब रेखा का समीकरण हमें दिया है तो प्रवणता निकाल लेंगे, माइनस x का गुणांक तो माइनस a अपान y का गुणांक b, ये है लंब रेखा, तो इसकी प्रवणता अगर m2 है तो हमें पता है चिन्ह सहित पलट देंगे, b ऊपर और a नीचे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बी अपान ए, अब हम देखेंगे कि इस रेखा की प्रवणता पता हो गया और एक बिंदु दिया है तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा,
वाई माइनस वाई वन बराबर एम, एम के जगह पर बी अपान ए, यानी फार्मूला होता है वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, ये तो फार्मूला होता है, उसी पर हम यहाँ रखेंगे तो बी अपान ए एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन और वाई वन का मान कुछ रहेगा आंकिक, तीन या चार या पाँच या छः कुछ भी होगा। अब यहाँ पर ए का गुणा कर दें इधर, तो ए वाई माइनस ए वाई वन बराबर बी एक्स माइनस बी एक्स वन, अब बी एक्स और ए वाई उधर चला जाए तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर बी एक्स वन, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बी एक्स वन माइनस ए वाई वन। अब देखेंगे यही हो जाएगा लंब रेखा का समीकरण, चूँकि यहाँ पर देखेंगे कि b एक अचर पद है, x1 और y1 अचर पद है, a भी अचर पद है, तो गुणनफल का योगफल या अंतर भी तो एक अचर आएगा ना, यानी आंकिक वैल्यू आएगा, इसका कोई ना कोई आंकिक वैल्यू आएगा, जैसे 8 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, तो अगर इसको हम लेमडा लिख देते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लेमडा। अब ये लेमडा का ही मान बदल सकता है अलग, यानी एक्स वन वाई वन जब हम अलग अलग रखेंगे तो लेमडा का मान बदलेगा, ये बी और ए तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स रहेगा, यानी लेमडा का अलग अलग मान होगा तो ये अलग अलग रेखा के समीकरण आएंगे, परंतु जितने भी रेखा आएंगे सब जो है इस पर लंब ही होगा, सब इस पर क्या होंगे लंब होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर सभी के सभी इस पर लंब रेखा होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लंब रेखाओं का समीकरण, ये लंब रेखाओं के समूह का समीकरण है, किसका समीकरण है, समूह का समीकरण है, ठीक है। यानी जब हमें समूह का समीकरण रखना होगा तब हम ये रखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लेमडा, और अगर बिंदु दिए तो डायरेक्ट ये रख लेंगे, क्लियर है। तो लिख लीजिए इसे जल्दी से, रेखा बी एक्स सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, पर लंब रेखा का समीकरण जो एक्स वन वाई वन से होकर जाती है, जो एक्स वन वाई वन से होकर जाती है, जो एक्स वन वाई वन से होकर जाती है, डायरेक्ट लिखिए बी एक्स माइनस ए वाई बराबर बी एक्स वन माइनस ए वाई वन, ए वाई वन, अथवा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लेमडा, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लेमडा, जहाँ लेमडा एक अचर पद है, जहाँ लेमडा एक अचर पद है, जो अलग अलग बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं के लिए, अलग अलग बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के लिए लेमडा का मान अलग अलग होगा, लेमडा का मान अलग अलग होगा, लेमडा का मान अलग अलग होगा। बना लीजिए चित्र जरा जल्दी से, लिख लिए, बना लिए सभी लोग, आइए कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए इस पे। लिखिए पहला प्रश्न, रेखा 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 पर उस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जो 3-2 से होकर जाती हो, थ्री कामा माइनस टू से होकर जाती,
अब देखिए इस पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो हमने अभी बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पर लंब रेखा का समीकरण जो x1 और y1 से होकर जाए, तो आपने देखा था क्या कि इस पर लंब रेखा का समीकरण बी एक्स माइनस ए वाई बराबर बी एक्स वन माइनस ए वाई वन था। यानी हुआ क्या था कि ये b चला गया था a के पास और a चला गया था b के पास, और ये चिन्ह जो है प्लस के स्थान पे माइनस, यानी इनके गुणांक x और y के गुणांक आपस में बदल जाएंगे और साथ ही साथ चिन्ह भी बदल जाता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ पर है 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना है तो ये दो चला जाएगा यहाँ पर 2x, 3 आएगा y के पास, प्लस है तो माइनस 3y बराबर 2x, x के स्थान पर x1, x1 कितना है यहाँ 3 है, और माइनस 3 ये 3 ये b, और इनटू y, y के स्थान पर y1, y1 के जगह पर क्या है माइनस 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 6, तो 6 12, यानी 2x माइनस 3y बराबर क्या 12, या फिर हम लिखेंगे 2x माइनस 3y और ये 12 इधर आएगा तो माइनस 12 बराबर 0। क्लियर? तो एक तो तरीका ये डायरेक्ट हम इस पर रख लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। थोड़ा जल्दी सॉल्व करिए, आइए अब देखा जाए समांतर रेखा के लिए। जैसे कोई भी ये रेखा दिया हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, और यहाँ पर कोई बिंदु दिया हो एक्स वन और वाई वन, इससे होकर जाने वाली ये रेखा हो जो इसके समांतर हो, तो समांतर रेखा का समीकरण, तो हमें पता है कि इस रेखा की प्रवणता m है या m1 है, तो m1 बराबर माइनस ए अपान बी, और इसकी प्रवणता m2 हो तो m1 और m2 तो बराबर होगा ना, तो इसकी भी प्रवणता माइनस ए अपान बी होगा, और ये बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, y1 बराबर m2, m2 के स्थान पर हो जाएगा क्या, तो माइनस a अपान b x1 x माइनस x1, तो इसी में b का गुणा कर दिया तो by माइनस by1 बराबर माइनस ax और प्लस ax1, यानी इधर आ जाएगा तो ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1 हो जाएगा। ये अचर पद होगा तो ये लेमडा लिख दें या डेल्टा लिख दें, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर हो गया लेमडा, तो लिख लीजिए इसे। देखिए रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के समांतर, के समांतर रेखा का समीकरण जो x1 y1 से होकर जाती है, जो x1 y1 से होकर जाती है, लाइन छोड़ दीजिए नीचे लिखिए ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन होता है, अथवा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर लेमडा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर लेमडा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर लेमडा, ठीक है। अब लिख लिए, चलिए लिखिए इस पर भी प्रश्न। रेखा 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस थ्री कामा माइनस फोर से होकर जाती हो।
तो हमें पता है कि समांतर रेखा का समीकरण 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, तो इसमें गुणांक वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। अभी बताया गया कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण, तो ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1, यानी यहाँ पर ये जैसे है उसी तरह रहेगा, केवल x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1, यहाँ गुणांक नहीं बदलते हैं। तो सीधे हम लिखें कि समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 3 गुणे x1, x1 की जगह पर -3, और प्लस 2y, y की जगह पर y1, -4, तो ये हो जाएगा -9, -8, -17। 3x प्लस 2y बराबर -17, या 3x प्लस 2y प्लस 17 बराबर 0, ठीक है। ये फर्स्ट, अगर हम इसको दूसरे तरह से लगाते, लेमडा अगर लिख कर लगाते, तो जरा देखिए यहाँ पर कैसे लेमडा से लगाएंगे। लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 के समांतर रेखाओं का समीकरण, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर लेमडा, जो किस बिंदु से होकर जाती है, -3, -4 से होकर जाती है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगी। तो 3 × -3, 2 × -4 बराबर लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पर -9, -8 बराबर लेमडा, -17 बराबर लेमडा। अब लेमडा का यह मान समीकरण इसमें जो ये है इसमें रखने पर, ठीक है, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, यहाँ पर रख दें तो 3x प्लस 2y बराबर लेमडा, लेमडा का मान यहाँ कितना है, -17, तो -17 बस यही हो जाएगा अभीष्ट रेखा का समीकरण। देखिए यहाँ भी वही आया है और यहाँ भी वही आया, तो चाहे ऐसे लगाइए या इस तरह लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, लिख लिए। हो गया, चलिए अब देखा जाए कि ये रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यहाँ कोई बिंदु P है जो x1 और y1 है, इससे इस रेखा पर लंब डाल दिया जाए, तो लंब का पाद, तो ये होता है लंब का पाद कहलाता है, और यहाँ से इसकी जो लंबाई होगा इस मान पे, ये लंब की लंबाई की, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये लंब रेखा का समीकरण हमें पता है, एक रेखा तो ये दिया ही है, तो इसको समीकरण एक कर देंगे 0, और ये लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो अभी पीछे निकाला गया bx माइनस ay बराबर bx1 माइनस ay1, ये समीकरण 2 कर दें। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, ये कल बताया गया था प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए। तो समीकरण 1 व 2 से प्रतिच्छेद बिंदु या x y का मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जो लंब का पाद होता है। अब देखिए जब इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया और एक निर्देशांक ये दिया है, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो P आ जाएगा। जब ये P निकालेंगे तो अगर हम a b c x y x1 y1 में रखें, तो उसी में जब रखेंगे तो ये आता है ऐसे ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² + b² यही आएगा। तो जो डाले गए लंब की लंबाई होता है वो P बराबर होता है
एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिख लीजिए इसे, लिखिए रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पर बिंदु x1 y1 से डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक, लंब के पाद का निर्देशांक, लंब के पाद का निर्देशांक के लिए लाइन छोड़िए नीचे लिखिए, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो समीकरण एक तथा लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण बी एक्स माइनस ए वाई बराबर बी एक्स वन माइनस ए वाई वन समीकरण दो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से x कामा y का मान प्राप्त कर लेते हैं, एक व दो से x कामा y का मान प्राप्त कर लेते हैं जो लंब का पाद होता है, जो लंब का पाद होता है, जो लंब का पाद होता है तथा लाइन छोड़ दीजिए, तथा रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पर, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पर एक्स वन वाई वन से डाले गए, एक्स वन वाई वन से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी हो, लंब की लंबाई स्मॉल पी हो तो स्मॉल p बराबर ये लिखिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ठीक है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, जब यहाँ पर x1 और y1 जीरो जीरो हो जाता है, यानी ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, तब तो ये मूल बिंदु हो जाता है ना, तो जब ये जीरो लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो बचेगा c, यानी p बराबर हो जाएगा c अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? तो लिख लीजिए इसी के नीचे, मूल बिंदु से रेखा, लिखिए नीचे मूल बिंदु से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी हो, पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी हो तो पी बराबर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हो गया? जैसे लिखिए प्रश्न एक, रेखा 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0 पर, 0 पर बिंदु 2,1 से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो P बराबर ए एक्स वन, तो एक जगह पर 3 देखेंगे, यहाँ पर ये है, एक जगह पर 3 है, x के जगह पर एक्स वन का मान क्या है 2, तो 3 गुणे 2, फिर b के जगह पर, तो b के जगह पर क्या है 4 है, इसमें b देखेंगे y का गुणांक, और इंटू वाई वन, वाई वन के जगह पर कितना है इसमें बिंदु के निर्देशांक में 1, तो 4 गुणे 1,
और प्लस सी, तो सी का मान यहाँ पर कितना है, 9, तो 9 बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान 3 का स्क्वायर, बी का मान यहाँ पर 4 का मान, तो 4 का स्क्वायर, 3 दुना के 6, 4 कम 4 प्लस 9 बटा नीचे हो जाएगा 5, 6 4 10 19 बटा 5 मात्रक। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी को, क्यों समझ में आ गया सबको, अब तो लग जाएगा। तो कल ठीक इसी समय हम मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कल ठीक इसी समय मिलेंगे तो आगे इसके चर्चा करेंगे। अभी इस पर संबंधित जो है 3-4 तरह के 4-5 तरह के न्यूमेरिकल जो भी होते हैं उसको न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद तो आगे की चर्चा करेंगे, अभी बहुत चीज़ें बचा है, ठीक है। तो अब जो भी हम बता रहे हैं इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इम्पॉर्टेंट ही चल रहा है इस समय आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो जो इसको नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, या आपके दोस्त तैयार हैं जिनका कोऑर्डिनेट छूट गया था, उनको आप बता दीजिए कि कोऑर्डिनेट चल रहा है, पढ़ लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों।